क्रिस्पी क्रिस्पी प्याज के पकौड़े खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हैं और ये कैसे बने हैं इस रेसिपी को जरूर से देखिएगा। सुबह शाम की चाय के साथ अगर आप इन पकौड़ों को एंजॉय करेंगे तो चाय का मजा ही दोगुना हो जाएगा। तो बने रहिए इस रेसिपी को देखने के लिए वीडियो में अंत तक, और अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल विदान किचन इंदौर को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बनाते हैं प्याज के पकौड़े। प्याज के पकौड़े बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं और इसे अच्छे से मैंने छील करके इसे धो लिया है। अब हमें इसे पतली पतली स्लाइस में इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से पतला पतली स्लाइस में हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। बहुत मोटा नहीं रखना है और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं रखना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है। यहाँ पर प्याज की कटिंग हमने कर ली है। तो अब हम प्याज के पकौड़े बनाने के लिए लेंगे एक बोल, और जिसमें हमें बैटर बनाना है। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, ये स्लाइस किए हुए प्याज हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं टमाटर। अगर आपको टमाटर पसंद है पकौड़ों में तो ऐड कीजिए। कटा हुआ हरी मिर्च, जैसा भी आपको स्पाइस पसंद है। धनिया पत्ती, अब इसमें ऐड करेंगे हम मसाले। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा हल्दी, चाट मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, खड़ा जीरा और अमचूर पाउडर खटास के लिए और चटपटेपन के लिए। अब इन सभी सामग्री को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें अच्छे से मसाले मिक्स हो जाएं और नमक की वजह से प्याज पानी छोड़ेगा और उसी पानी से हम बैटर रेडी करेंगे पकौड़ों का। तो इसे हम मिक्स करके 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये मिक्स हो गया है, अब हम इसे ढक करके रख देंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए। प्याज को रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। तो बेसन को अच्छे से छान लें और धीरे धीरे करके बेसन को ऐड करें, और कोशिश करें कम से कम बेसन का यूज करें, क्योंकि अगर आपने ज्यादा बेसन डाल दिया तो पकौड़ों का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा नहीं आने वाला है। तो इसे अब मिक्स करते जाएंगे और इसमें पानी को ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्याज ने पानी रिलीज किया हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम बेसन ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर बेसन अच्छे से मिक्स हो गया है। तो ये देखिए कि आपको कितना बेसन मिलाना है। तो यहाँ पर कटोरी में आधी कटोरी से थोड़ा कम बेसन बचा हुआ है, मैंने एक कटोरी बेसन लिया था। तो बेसन आपको इतना ही मिलाना है कि बस मिक्स हो जाए और प्याज वगैरह उसमें ढके नहीं, है ना। तो प्याज दिखना चाहिए तभी टेस्ट अच्छा आने वाला है और लुक भी अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था, और ऑयल हमारा गर्म हो जाना चाहिए, यानी मीडियम हॉट ऑयल हमें चाहिए। बहुत ज्यादा तेज गर्म ऑयल नहीं चाहिए, वरना पकौड़े डालते ही जल जाएंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है। पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने हाथों को थोड़ा गीला करना होगा ताकि ये हमारे हाथों से चिपके नहीं और ऑयल में फटाफट से गिर जाए, है ना। तो इस तरीके से हमें लेना है और थोड़ा थोड़ा करके ऑयल में हमें इसे ऐसे गिराते जाना है। जितना स्पेस होगा उतने ही पकौड़े हम इसमें ऐड करेंगे।
यहाँ पर आप देख रहे हैं कि झाग अब बंद हो गया है, तो हम इसे अब पलट देंगे। तो बहुत हल्के हाथों से इसे आपको ऐसे घुमा देना है। इस तरीके से इसे अब हम मीडियम हॉट टेम्परेचर पे अलट पलट कर क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखना है। प्याज के पकौड़े फ्राई हो गए हैं, आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं और काफी क्रिस्पी भी दिख रहे हैं। अब इसे हम ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे वरना प्याज जो है बहुत ही ज्यादा डार्क कलर का हो जाएगा, तो टेस्ट भी खराब होगा उससे। तो बस हम प्याज के पकौड़ों को बाहर निकालेंगे। ये देखिए क्रिस्पी क्रिस्पी टेस्टी यमी यमी पकौड़े हमारे। सुबह शाम की चाय हो या फिर आपका जब भी मन करे कुछ चटपटा खाने का, तो ये टेस्टी प्याज के पकौड़ों को जरूर से ट्राई कीजिएगा। क्रिस्पी क्रिस्पी प्याज के पकौड़े बनकर के तैयार हैं। अब इन्हें हम गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे। तो आप भी बनाइए इसी तरीके से क्रिस्पी क्रिस्पी प्याज के पकौड़े, खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हैं। और जब आप इसे बनाकर खाएंगे तो आपके चाय का मजा तो दोगुना ही होगा ही होगा और सबको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। और इन पकौड़ों के साथ में चटनी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हैं। तो आप जरूर से इन प्याज के लच्छा पकौड़ों को ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसे बने ये पकौड़े। और पसंद आता है प्याज के पकौड़ों की ये रेसिपी तो जरूर से लाइक करें, शेयर करें और चैनल विधान किचन इंदौर को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। तो फिर मिलूंगी इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।